नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज की। हम जो है पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पहले ही कर चुके हैं, मीन्स हम जान चुके हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और हम एक्सरसाइज कैसे करेंगे, उसके कुछ ट्रिक्स भी हमने उसमें जानी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, इंट्रोडक्शन की वीडियो जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो चलो अब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे, उसमें सिंपल हमसे बोला है कि हमें फाइंड करना इनमें से, ये जो हमें क्वेश्चंस है इनमें से पॉलिनोमियल्स कौन से हैं, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, एंड साथ ही बताना है अगर वो नहीं है तो वो क्यों नहीं है। तो पहला देखेंगे, पहला जो दिया हुआ है 4x² - 3x + 7, इसमें क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? हाँ, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल्स है सिर्फ x है और टर्म्स भी क्या है 3, मींस मोर देन वन टर्म्स और मेनी टर्म्स, तो ये पॉलिनोमियल है। यस। सेकंड जो है हमारा क्या बोल रहा है, y² + √2, इसमें भी क्या है सिंगल वेरिएबल है, मतलब एक वन वेरिएबल है और क्या है टू टर्म्स, मींस मोर देन वन टर्म है, तो ये भी क्या है पॉलिनोमियल है। यस। उसके बाद है 3√t + t√2। अच्छा, ये पॉलिनोमियल है या नहीं? नो, क्योंकि अगर हम इसमें बात करें तो ये जो t है इसकी, अगर मैं ये बात करूं तो इसकी जो ये पावर होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ, और इसकी पावर है 1। तो मींस क्या बोला है, दोनों में अलग अलग है, पावर सेम है ही नहीं। यहाँ पे जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर, मींस इंटीजर की बात की थी, नॉन नेगेटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। ये देखो रेशनल, मतलब ये हमारा 1/2 की फॉर्म में चला गया, तो ये क्या होगी, ये नहीं होगी। तो नेक्स्ट हमारा है y + 2√y। अब आप इसको देख के बताओ ये क्या होगा, ये तो यस लग रहा होगा कि सेम ही है, लेकिन जब हम बात करें इनके डिग्री की, इसकी तो डिग्री 1 है लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो इसकी -1 हो जाएगी, तो नॉन नेगेटिव तो चलती ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो। लास्ट जो है इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, x³ + y³ + t⁵। ये है तो पॉलिनोमियल क्योंकि 1, 2, 3 इसमें टर्म्स ज्यादा है, लेकिन वेरिएबल सिंगल नहीं है, इसमें वेरिएबल 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम इसको पॉलिनोमियल तो बोल सकते हैं लेकिन सिंगल टर्म में नहीं बोल सकते, इसको हम 3 वेरिएबल के साथ बोल सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कोफिशिएंट पूछे हैं कि एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 2 है, इसमें हमसे कोफिशिएंट पूछा है। कोफिशिएंट क्या होता था, याद करो हमने पढ़ा था कि किसी भी वेरिएबल के साथ वाला नंबर, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमसे कोफिशिएंट किसका पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ x² मींस x² के साथ जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट। तो फर्स्ट पार्ट में बोला है 2 + x² + x, पहले तो यहाँ पे 3 टर्म्स है तो हम सबका थोड़ी निकालेंगे, हमें सिर्फ x² का बोला है, तो आप लिखोगे कि x² मींस आप ऐसे लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, यहाँ पे x² के साथ में क्या है 1, कुछ भी नहीं है, मींस 1, तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट क्या है, 2 - x² + x³, तो अब आप देखोगे यहाँ पे x² मींस हमसे कौन सा वाला पूछा, x² तो x² ये रहा, इसके साथ में क्या है कुछ भी नहीं है 1, लेकिन यहाँ पे टर्म माइनस है, अच्छा यहाँ पर प्लस था तो प्लस ही रहा लेकिन यहाँ माइनस है तो हम -1 लिखेंगे, मींस कोएफिशिएंट ऑफ x² = -1। और इसका लास्ट थर्ड पार्ट है π/2 x² + x, अब x² के साथ में कौन सा है π/2, तो मींस इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा π/2, मींस जो भी साथ में है चाहे वो अपॉन की फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, तो ये हो जाएगा। अब ये थर्ड पार्ट था, अब फोर्थ लास्ट पार्ट में क्या है, √2x - 1। अच्छा इसमें क्या होगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट मींस यहाँ पे x² तो है ही नहीं, x² नहीं है तो मींस यहाँ पे अगर मैं x² के साथ 0 ले लूं तो ये 0 ही बन जाएगा, मींस कुछ होगा ही नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x² = 0, मींस है ही नहीं कुछ भी, तो 0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 छोटा सा है, बिल्कुल इजी बोला है उसने, क्या बोला है, एग्जांपल देना है बाइनोमियल पॉलिनोमियल का जिसकी डिग्री 35। बाइनोमियल पढ़ा था, क्या होता है बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म, तो कोई भी 2 टर्म ले लो, मींस x + 5, ये 2 टर्म का बन गया लेकिन डिग्री क्या बोली है 35, तो x की ही डिग्री आप 35 लिख दो, कुछ भी लिख सकते, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, 4x की पावर 35 प्लस
3x, ये भी क्या एक बाइनोमियल, मींस मेनी एग्जांपल्स आर देयर, आप कोई भी एक लिख सकते हो। और इसी में सेकंड बोला एक मोनोमियल बताना है डिग्री 100 का, मोनोमियल सिंपल, x की पावर 100, y की पावर 100, कुछ भी, मींस 100 डिग्री रखना और मोनोमियल, मोनोमियल सिंगल टर्म। तो आप बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है। क्या बोला है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आप सोचोगे कि हर एक टर्म का नहीं, पूरे पॉलिनोमियल, जब भी हम हमसे बोले कि डिग्री बताओ, तो जब हम डिग्री की बात करते हैं तो हम हाईएस्ट डिग्री देखते हैं उस पॉलिनोमियल की। तो मैं एक कर रही हूं, इसके पार्ट का पार्ट ही ट्राई करेंगे, पहला पार्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अब आप इसमें खुद सोचो क्या होगा, ये पूरा पॉलिनोमियल है, इसमें एक्स है वेरिएबल और डिग्री एक तो 3, 8, 2, 8, 1, तो हमें बोला है डिग्री बताओ, तो आप लिख दोगे कि इसकी डिग्री होगी 3, 2, 1। नो, जब हमसे डिग्री पूछेगा तो हम सारी डिग्री नहीं, हमें सिर्फ एक हाईएस्ट डिग्री बताएंगे जो पूरे में हाईएस्ट सबसे है। तो यहाँ पे डिग्री जो है 3, सबसे हाईएस्ट है 3, तो यहाँ इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या हो जाएगी 3। बाकी पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर लेती हूँ। सेकेंड है वाई 4 - y², तो इसमें क्या डिग्री होगी 2, क्योंकि वाई की 2 ही है। नेक्स्ट है 5t - √7, तो t की डिग्री क्या है 1, तो इसमें 1 हो जाएगी। तो पार्ट जो 4 है उसमें क्या है, सिंपल हमें 3 दे रखा है, तो जो 3 है इसकी पावर क्या होगी 1। लेकिन जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मानो यहाँ पे मैंने वेरिएबल कुछ भी नहीं लिया, मीन्स आंसर सिर्फ 3 आ गया। तो मीन्स एक कॉन्स्टेंट टर्म आया है, कॉन्स्टेंट तो इससे क्या पता चल रहा है, 0 पॉलिनोमियल होगा, तो मीन्स डिग्री क्या होगी 0, तो इसकी डिग्री होगी हमारे आंसर में 0। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या बोला है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। सब पढ़ लिया है कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, तो फटाफट बता देंगे। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है x² + x, मींस इसमें डिग्री कौन सी, डिग्री हाईएस्ट डिग्री चेक करेंगे 2 है, तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। सिमिलरली सेकंड में है x - x³, सबसे क्यूब है तो क्यूबिक हो जाएगी। फिर y + y² + 4, तो यहाँ पे 2 जो है हाईएस्ट डिग्री, तो मींस क्वाड्रेटिक हो जाएगी ये वाला पॉलिनोमियल। 1 + x, x की सिर्फ 1 है, तो मींस लीनियर। नेक्स्ट 3t, इसमें भी कोई 2 या 3 नहीं है, 1 है ओनली, तो लीनियर हो जाएगा ये भी। r का स्क्वायर मींस r की पावर है 2, तो 2 जो है क्वाड्रेटिक हो जाएगा। लास्ट है 7x³, तो यहाँ पे क्यूब है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 2.1। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें बोला है हमें पॉलिनोमियल दिया है 5x - 4x² + 3। इस पॉलिनोमियल में हमें क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉलिनोमियल की, वैल्यू रख के x की वैल्यू में हम 0 पुट करेंगे। इस मींस हमें फर्स्ट में बोला है x की वैल्यू 0 रखनी है, तो जहां जहां पॉलिनोमियल x लिखेंगे हम 5x - 4x² + 3, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद जो है x की जगह क्या लिखना है 0, तो पूरे में x की जगह 0 रखेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे 5 × 0 = 0, 4 × 0 = 0 + 3, तो आंसर क्या है 3। तो मीन्स अगर पॉलिनोमियल मीन्स x अगर 0 होगा तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी 3। तो इस तरह से हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में हमें -1 रख के देखना है और पार्ट 3 में हमें 2 रख के देखना है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, तो आप उसको खुद से ट्राई करना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है, बोला है कि हमें फाइंड करना है t₀, t₁ और t₂ हर एक में। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट वाला ले लेते हैं ty = y² - y + 1। तो सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं, तो आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो बाकी सारे पार्ट बहुत इजी हो जाएंगे। तो हमें तीनों के लिए यूज करना है, y की वैल्यू 0 रख के देखनी है, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 रख के देखनी है। तो पहले 0 रख लेते हैं, p₀, तो 0 का स्क्वायर - 0 + 1, तो क्या आएगा आंसर 1। सिमिलरली हमें इसी में p की 1 भी रख के देखनी है, तो 1 का स्क्वायर - 1 + 1, 1 - 1 + 1, 1 में से 1 गया 0, तो 1 इसकी 1 आ गई। फिर रखेंगे p की वैल्यू 2, p की वैल्यू 2 रख लेंगे, तो y की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर - 2 + 1, 2 जो होता है 4 - 2 + 1, तो हम करेंगे 4 में 2 गए 2,
प्लस वन दैट इज थ्री। तो अगर हम टू रखते हैं तो थ्री आएगा, वन रखते हैं तो वन आएगा, जीरो रखते हैं तो बी वन आएगा। तो ये आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से आप पार्ट टू भी कर सकते हो, उसमें भी आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, उसी में पहले जीरो पुट करेंगे, फिर वन, फिर टू, फिर सिमिलरली बाकी पार्ट्स में। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में इन्होंने बोला है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब वहीं पे आपको एक क्वेश्चन दिया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ही देख लेते हैं। px is equal to 3x plus 1, x is equal to minus 1, 3। यहाँ पे ये आपको जीरो दे रखा है, तो हमें फाइंड करना है कि क्या ये इसका जीरो है या फिर नहीं है। तो कैसे करेंगे जीरो फाइंड करने के लिए कि ये इसका है नहीं? अगर मैं x की वैल्यू ये वाली इसमें पुट करती हूँ और आंसर अगर जीरो आ जाता है तो ये है, तो करके देखते हैं। चलो p x की जगह माइनस वन बाय थ्री, तो थ्री x की जगह माइनस वन बाय थ्री प्लस वन, तो करेंगे तो ये सॉल्व किया तो आया माइनस वन प्लस वन, तो आंसर आ गया जीरो। तो यस ये क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में आपको दे रखा है x की वैल्यू 4.5, तो आप क्वेश्चन में 4.5 रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। सब में अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसका थर्ड पार्ट है, उसमें दो वैल्यू दी है, एक्स की वन वैल्यू भी दी है, एक्स की माइनस वन भी दी है। तो आप दोनों एक एक करके पुट करके रख के देखोगे और जिसकी आएगी वो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेते हैं लास्ट की पार्ट देख लेते हैं, पी एक्स दस एट पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x की वैल्यू दे दी 1/2, तो रखेंगे 1/2, 2 की वैल्यू 1/2 प्लस 1, तो ये कट किया तो बचा 1 प्लस 1 2, वैल्यू क्या है 2, आंसर क्या है 2। तो हम जब भी जीरो की बात करते हैं तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। तो यहाँ पे आ गया 2, जीरो नहीं है, तो मींस ये क्या होगा, नो इट इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। तो बाकी पार्ट्स आप खुद से ट्राई करके देख लेना। एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। हमने सीखा था कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, तो वैसे ही करेंगे कि हम क्या करेंगे, इस पूरे हम मान लेंगे पुट करेंगे px को जीरो के बराबर, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, px को जीरो के बराबर मींस x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ 5 प्लस में आ जाके माइनस, तो यहाँ आ गई x की वैल्यू, तो ये जो हो जाएगा मींस लिखेंगे हम जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इज क्या हो जाएगा, इज माइनस 5। तो आप चेक भी कर सकते हो, आप इसमें माइनस 5 रख के p माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 5 दैट इज 0, ये हमने चेक भी कर लिया साथ में कि हाँ ये जो है जीरो होगा, मीन जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल ये। अच्छा इसके बाकी पार्ट्स में भी सिंपल है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे, बहुत इजी है, सिंपल आपको जीरो के बराबर रख देना है। तो मैं आपको एक लास्ट पार्ट बता रही हूँ, उसमें शायद आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, तो वो चेक कर लेंगे क्या बोल रहा है। px इज इक्वल्स टू cx प्लस d, और c और d यहाँ पे जो है दोनों रियल नंबर्स है और c जीरो के बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, सिंपल हमने क्या बोला, स्टेप क्या है, जीरो के बराबर रखेंगे, मीन सी एक्स प्लस डी को किसके बराबर रखेंगे, जीरो। अब जो यहाँ पे ये सी एक्स इस टर्म को यही रख लेंगे, ये डी यहाँ पॉजिटिव में, वहां जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे सी क्या है मल्टीप्लाई में, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। अगर ये जीरो होता तो ये जीरो हो जाता तो फिर टर्म ही नहीं बनती, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं था, ये दोनों रियल नंबर है, तो ये आ गया आंसर, मीन्स माइनस डी अपॉन सी, माइनस डी अपॉन सी इज द जीरो, ये जीरो है। अगर आपको चेक करना है तो क्या कर सकते हो, इसमें पुट कर सकते हो, करके देख लो, चाहे यहीं पे मैं कर देती हूँ अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो, कि पी जो है माइनस डी अपॉन सी के बराबर है इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, ये कट जाएगा माइनस डी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, तो ये आगे जीरो, तो यस ये जो है पॉलीनोमियल है, मतलब ये जीरो ऑफ पॉलीनोमियल है। तो यहाँ पर हो गई आपकी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट। तो अब हम बात करने वाले हैं फैक्टर थ्योरम की, फैक्टराइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, क्योंकि हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्सरसाइज 2.3 तो रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है, तो आपको मैं बता दीजिए जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है वो आउट ऑफ सिलेबस है, मींस आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, वो हट चुका है वो वाला टॉपिक। तो जो हमारी एक्सरसाइज 2.3 है वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो आएगी ही नहीं, तो सीधा हम जा रहे हैं 2.4। तो 2.4 पे बढ़ने से पहले हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है और उसमें हम क्या करते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है फैक्टर, तो मींस इसमें क्या करना होगा, हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, किसके, चैप्टर पॉलीनोमियल है तो मींस हमें पॉलीनोमियल्स के फैक्टर फाइंड करने होंगे। अब फैक्टर क्या होता है, अब मान लो हमारे पास कोई भी एक नंबर है 15,
अभी हम पॉलिनोमियल पे भी लेके देखेंगे, बट आप नॉर्मल एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास एक नंबर है 15, तो क्या इसके हम फैक्टर निकाल सकते हैं? यस, ये किस किस के टेबल में आता है, वो इसके सारे फैक्टर्स हो जाएंगे, मींस 1 हो गया, या फिर 3 हो गया, या फिर 5 हो गया, या फिर 15, तो ये जो सारे जितने भी है ये क्या हो जाएंगे, 15 के फैक्टर्स। मींस हम ऐसे बोल सकते हैं कि 3 5 15 होता है, या फिर हम और निकाल सकते हैं 15 1 15 होता है, तो ये जितने भी है क्या होगा, इसके फैक्टर्स। तो ट्रिनोमियल में जो होते हैं उसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालने के लिए हम फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन वाले प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अब कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल ही लेते हैं, जैसे 6x² + 17x + 5, ये हमारा एक क्या है, हमारी पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालते समय हम मिडल टर्म कौन सी है, ये वाली, इसके करेंगे फैक्टर, मींस इसको करेंगे स्प्लिट। तो जब हम इसको स्प्लिट करेंगे कैसे करेंगे, तो वो भी हम इजी तरीके से सीखेंगे। तो अब देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट, अच्छा एक और चीज सुन लो, अभी तो ये अरेंज्ड है, मींस पहले हाईएस्ट पावर है, फिर उससे कम वाली पावर है, फिर लास्ट में है। तो अगर मान लो अरेंज ना हो हमारे पास, मींस 5 हो या फिर इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो, तो सबसे पहले हम इस वाली जो अरेंजमेंट है इसको ठीक से अरेंज करेंगे, और हाईएस्ट पावर वाली जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि ax² + bx + c, तो मींस जो पहले क्वाड्रेटिक वाला जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर है सबसे पहले, फिर ये, तो अब ये ऑलरेडी अरेंज है तो हमारा स्टेप 1 तो कम हो ही गया। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म, जो भी फर्स्ट टर्म है और जो भी लास्ट टर्म है, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, और इसको साइड में ही लिखते चलेंगे यहीं पे। करो 6 5 = 30 और x² 30x² मीन्स क्या किया हमने, 6x² * 5, फर्स्ट और लास्ट टर्म। मिडिल टर्म को तो हमें स्प्लिट ही करना है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को लिया, तो इसका आंसर आया 30x². अब हम 30x² के फैक्टर निकालेंगे, मीन्स हम इसको देखेंगे कि ये कैसे आया, या तो हम क्या करेंगे 30x * 1x, जब हम इनको करेंगे तो भी यही आएगा, यस। और देखो और क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं 15x * 2x, अगर हम 15x को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी क्या आएगा, 30x². तो हमें फैक्टर्स लिख लेने हैं, और फैक्टर लिखने के बाद काम खत्म नहीं हो, अब काम शुरू हुआ है हमारा। क्या काम शुरू हुआ है, हमें इसमें से वो फैक्टर का पेयर लेना है जो जिनको हम प्लस माइनस करके हमारी मिडल टर्म आए, जब तो हम उसको स्प्लिट करेंगे, तो मीन्स कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्या करेंगे देखो, 30 और 1 31 को प्लस माइनस करें, कुछ भी करें, तो या तो 31 आ जाएगा या 29, तो बीच में तो हमें 17 चाहिए, तो हम इस वाली टर्म को तो लेंगे। अब देखो 15 और 2, क्या 15 और 2 को प्लस या माइनस करके 17 आ जाएगा, सोचो, यस। क्या हो रहा है, अगर मैं 15 में 2 को प्लस कर देती तो क्या आ जाएगा, 17, और हमें चाहिए क्या, 17x ही, मीन्स 15x + 2x कितना हो जाएगा, 17x। तो जब हमें इसके फैक्टर करने के लिए, इसको स्प्लिट करने के लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर लाना है, उसके बाद हम उसके फैक्टर निकालेंगे, और फिर उनका एक पेयर उठाएंगे, ये वाला पेयर उठा लिया मैंने, और इसको प्लस माइनस करके यहां रखेंगे, तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म एज इट इज लिखेंगे। अब बीच वाली टर्म को हम चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, मीन्स मैं यहां पे क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि 2x + 15x, क्या मैं लिख सकती हूँ इसकी जगह, 17x की जगह 15x + 2x लिख सकती हूँ, यस लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अभी मैंने वेक्टर आपको समझाने के लिए लगाया था, अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को देखो, इन दोनों में से कुछ कॉमन है, यस कॉमन है, क्या आ रहा है, 2x कॉमन दिख रहा है मुझे, तो मैं 2x कॉमन ले लूंगी, और बचेगा क्या अंदर, यहाँ बचेगा 3x + 1, ठीक है। अब यहां से भी देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहां से भी आ रहा है मेरे पास, माइन 5 कॉमन आ रहा है, 5 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो जब अगर मैंने 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3x, अच्छा -5 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, 3x + 1 हो गया हमारे पास ये। अब ये वाली टर्म हम साथ में लिख देंगे 2x - 5 3x + 1, तो ये क्या हो गया हमारे फैक्टर्स, जो हमने बोला था कि इस पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या होंगे, ये दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, आप यहाँ पे देखो ये प्लस का था, हमने गलत ले लिया, तो यहाँ प्लस का आएगा, तो ये जो दोनों है हमारे इसके फैक्टर हो गए, मीन्स अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी, इसको इससे डिवाइड करूंगी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। यही तो होता है, जब मैं इसको इससे पूरा डिवाइड करूंगी तो हमारा पूरा
मतलब फुल फुल डिवाइड हो जाएगा, तो ये फुल फुल डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, और इसी से रिलेटेड होगी हमारी एक्सरसाइज। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 1 में बोल रहा है कि हमें बताना है कि जो हमें पॉलिनोमियल दे रखे, जैसे फर्स्ट इस पॉलिनोमियल में क्या एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर है। अच्छा, फैक्टर होने के लिए भी कि हमने कंडीशन डिस्कस की थी, मींस अगर ये इससे डिवाइड हो रहा है, मींस अगर ये इसका फैक्टर है, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, जीरो। तो इट मींस क्या करेंगे हम, ये हम इसको पहले हम x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। क्या आएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू आएगी, इसको रखेंगे x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू आएगी माइनस 1। x की वैल्यू माइनस 1 हो गई, मींस क्या x की वैल्यू 1 पुट करने पे इसका आंसर 0 आ रहा है, इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ रहा है, यही तो इसने पूछा है। तो यही हमें निकालना है। तो जब हम इसमें पुट करके देखेंगे 0 आ जाएगा, तो ये क्या होगा, फैक्टर होगा, और अगर नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं होगा। तो चलो देख लेते हैं हमारा क्या है, पीएक्स, पीएक्स जो है वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमें एक्स की जगह क्या रख के देखना, माइनस 1, माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1 करेंगे सॉल्व। माइनस 1 का क्यूब होगा माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर होगा प्लस 1, ये माइनस 1, ये प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, आंसर क्या आ गया, जीरो। रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। तो मीन्स अगर हमारे पास आंसर जीरो आ गया, तो इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि यस एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, कौन से वाले का, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसी तरह जो है ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 4 तक पार्ट है इसके। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, सेम यही, क्योंकि सब में यही पूछा कि ये इसका भी फैक्टर है या नहीं, तो यही पुट करेंगे x की जगह, और आंसर अगर जीरो आ गया तो वो होगा फैक्टर, और नहीं आया तो नहीं होगा। तो इसके बाकी पार्ट्स आप खुद से ट्राई करके देखना, बहुत आसान है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है सेम, लेकिन इसमें एक ही फैक्टर ही पूछा, इसमें हर क्वेश्चन पे अलग दिया है। मींस इसमें बोला है हमें फैक्टर थ्योरम यूज करनी है और डिटरमाइन करना है कि gx जो है वो फैक्टर है px का। मींस हमें पॉलिनोमियल दे दिया और पूछा है कि क्या ये इसका फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे और कर लेंगे। तो जिसका फर्स्ट पार्ट है उसमें सेम है, x की वैल्यू माइनस 1 आ रही है, तो माइनस 1 पुट करके देख लेंगे। तो मैं आपको पार्ट सेकंड करा रही हूँ, आप देखो। अब यहाँ पे पहले हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो x इज इक्वल x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, माइनस 2। तो मीन्स हम यहाँ पे क्या पुट करके देखेंगे, माइनस 2, कि हमारा आंसर 0 आ रहा है या नहीं, तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या होगा, हमारा फैक्टर होगा। तो करेंगे क्या, रखेंगे p माइनस 2 रखेंगे इसमें, माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 करो, 2 टू जा 4 टू जा 8, तो माइनस का 8 प्लस 2 टू जा 4, यहाँ पे कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं अभी, प्लस 3 टू जा 6 प्लस 1 करो, माइनस 8 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 1, तो क्या आ रहा है, माइनस 8 12 प्लस 6 18 प्लस 19 प्लस 19, तो आंसर आएगा माइनस 11। तो आंसर तो जीरो आया नहीं, इट मींस जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो आंसर रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 11, जीरो नहीं बच रहा। तो नो, ये जो है नो, gx = x + 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर नहीं है, हमारा px। और फिर यहाँ पे आप लिख लोगे x³ + 3x² + 3x + 1। तो ये हो गया पार्ट 2। इसका पार्ट 3 बचा है, उसमें x = 3 आएगा, तो आप जो है उसमें 3 पुट करेंगे x की जगह पे और चेक करेंगे कि 0 आ रहा है या नहीं, अगर आएगा तो वो क्या होगा, उसका फैक्टर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला इन्होंने फाइंड द वैल्यू ऑफ के, की की वैल्यू फाइंड करनी है, और बता दिया गया है कि px का एक फैक्टर है, फैक्टर ऑलरेडी बता दिया है कि जो x माइनस 1 है वो क्या है, px का फैक्टर है। इट मींस x इज इक्वल टू 1 रखने पे जो हमारा px, जो हमारा पॉलिनोमियल है, वो किसके बराबर आने वाला है, 0। यही हमारा केस था कि जब भी अगर हमारी जो ये फैक्टर होता है तो जीरो आंसर आएगा। अब इन्होंने बोला है कि ये फैक्टर है, तो हम इसको पुट करेंगे उसमें और जीरो के बराबर रखेंगे, तो क्या जाएगी हमारी k की वैल्यू।
तब हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट, क्या बोला है, पीएक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस की। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, पी वन फैक्टर है, तो हम क्या बोलेंगे, पी वन रखने पे आंसर क्या आएगा, जीरो। तो अब हम पी वन रखेंगे तो वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो। अब के की वैल्यू याद आ जाएगी, वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो, के इज इक्वल टू टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो, तो के आ जाएगा माइनस का टू। तो यहां से हमें मिल गई के की वैल्यू। बाकी पार्ट भी इसके इसी तरह हो जाएंगे, कहाँ रखना है, एक्स की जगह वन रख के पूरी वैल्यू को जीरो के बराबर। तो हम इसका लास्ट पार्ट और देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट। ये हमारे पास वैल्यू है तो हमने क्या लिखना है, पी वन किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। अच्छा इसमें तो ये ही सबका फैक्टर, अगर अलग अलग दिया होता तो हम अलग अलग वैल्यू पुट करके देखते। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे कि k 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू जीरो। तब करेंगे सॉल्व, k स्क्वायर सॉरी k इंटू 1 k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू जीरो, तो क्या आएगा 2k माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, 2k इज इक्वल टू 3, यहाँ पे प्लस हो जाएगा जीरो में। हाँ, और ये जो जीरो हटा दे यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, k इज इक्वल टू 3 बाय 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, k की वैल्यू 3 बाय 2। तो इसी तरह से हम बाकी दो पार्ट भी सॉल्व करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर वो आ गया है जो हमने अभी सीखा था, मीन्स हमने फैक्टराइजेशन शुरू में ही सीखा था, तो अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे और मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पहले फर्स्ट पार्ट। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता था, इसको अरेंज करना, ऑलरेडी अरेंज है। फिर क्या करते थे हम, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, क्या आएगा 12x स्क्वायर। तो अब हम इसको इस तरह से स्प्लिट, मीन्स ये कैसे कैसे कर सकते हैं, 4 3 जो होता है एक, तो 4x into 3x, या फिर हो सकता है 12 into 1, है ना, तो और एक हो सकता है 6 into 2। तो अब ऐसा पेयर ढूंढो, ऐसा फैक्टर का पार्ट ढूंढो जिससे जो आंसर 7 आ जाए प्लस माइनस करके। तो इससे तो आएगा नहीं, 12 1 को कैसे भी कर लो 12 या आएगा 11 आएगा 13 आएगा, और 6 2 को भी कर लोगे तब भी नहीं आएगा। तो अब देखो यहाँ पे 4 and 3 आपको दिख रहे हैं, 4 और 3 को अगर मैं माइनस, दोनों को माइनस कर लेती हूँ, -4 and -3 कितना हो जाएगा 7। तो हमें क्या चाहिए, माइनस का ही 7 चाहिए, तो हम इस वाले पेयर को लगेंगे। फिर क्या करते थे, 12x स्क्वायर बीच का छोड़ देते थे, ये +1, ओके। अब इसकी जगह क्या लिख देंगे, -4x -3x, यही करेंगे ना, क्योंकि हमें माइनस का 7x चाहिए। अब देखो इसमें से, अब क्या करते थे, इन दोनों से कॉमन लेते थे कुछ, 4x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 3x-1, इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3x-1, ठीक है। कैसे लिया कॉमन, -1 लिया तो यहाँ 3x बच गया, और यहाँ का माइनस यहाँ 1 चला गया तो -1 बच गया, ठीक है। अब ये दोनों सेम, 4x-1 इनको एक साथ लिख देंगे, और ये सेम टर्म को एक साथ, तो ये क्या आ गए हमारे फैक्टर्स, और यही हमें निकालने थे। तो ये दोनों जो है इस वाले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स है। इसी तरह हम एक और पार्ट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट, बाकी बचे हुए दो पार्ट आप खुद से ट्राई करना। तो देखो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप सब देखो, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आएगा 36x स्क्वायर। अब 36 के पेयर बनाओ जिससे आंसर क्या है 5, मीन्स जिसको प्लस माइनस करके क्या बनेगा 5। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं मीन्स 36 को 1, ये तो होगा ही नहीं। फिर क्या हो सकता है 2 into 18, इन दोनों को करके भी नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा शायद 9 4 जा क्या होता है 36। तो 9 और 4 का पेयर बना के हम कर सकते हैं, तो 9 और 4 का पेयर ले लो यहीं पे, 6x स्क्वायर सेम लिखेंगे, 9 और 4 कैसे लिखूं, प्लस का चाहिए तो प्लस का 9 ले लो, माइनस का 4 ले लो, तो क्या करेंगे +9x -4x -6, ये करेंगे। कैसे लिखा मैंने, इन दोनों को प्लस माइनस करने की याद आ जाएगा, तो करो इन दोनों में से कॉमन ले लो कुछ, क्या आ रहा है 3x कॉमन दिख रहा है मुझे, 3 इसमें से x आ जाएगा 3x कॉमन, तो इसमें बचेगा 2x+3, ठीक है। अब इसमें से देखो -2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो क्या बचेगा 2x+3, ठीक है ना, माइनस कॉमन आ गया। अब ये देखो 3x-2, 2x+3, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे इस वाले पॉलिनोमियल के। तो इसी तरह बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं अपनी लास्ट, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन 5 को शुरू करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं, एक मेथड जान लेते हैं, ट्रायल मेथड। क्या जान लेते हैं, ट्रायल मेथड।
अभी हमने जो सीखा था वो फैक्टराइजेशन सीखा था कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, बट हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बोला फैक्टराइज करना है, बट क्या ये हमारे पास एक टर्म है, ये फोर टर्म्स है यहाँ पर, पॉलिनोमियल है ये हमारे पास, तो क्या हम इसको फैक्टराइज कर पाएंगे? खुद देखो, हमने क्या सीखा था कि हम तीन टर्म होती थी, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके बीच वाले को स्प्लिट कर लेते थे, लेकिन फोर में कैसे करेंगे? तो फोर, ये जो फोर वाले टर्म करने के लिए हमने यूज करना है ट्रायल मेथड। अब ट्रायल मेथड में क्या होता है, नाम से क्या पता चल रहा है, ट्राई करना पड़ेगा, तो हम इसमें ना ट्राई करेंगे और पुट करके देखेंगे। मान लो हमने कर लिया कि x प्लस वन, ये क्या कर लिया हमने, ट्राई मेथड मारा कि x माइनस वन अगर हम इसमें पुट करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। मींस क्या होगा, ये इसका एक फैक्टर होगा, तो हम ये ट्राई करके देखेंगे। तो चलो एक बार पुट कर लेते हैं, x प्लस वन को ट्राई करते हैं कि ये जो है ये इसका एक फैक्टर है, लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, px कौन सा px, ये वाला px, इसका एक फैक्टर मान लिया, तो मीन्स x को 1 के बराबर रख के देखते हैं, और अगर ये 0 आ गया तो मीन्स ये इसका फैक्टर होगा। अब वो क्यों कर रहे हैं वो भी हम आगे जानेंगे, पहले करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या करना है, x से जगह माइनस वन, माइनस वन का क्यूब हमने क्या किया, p1 रखा, माइनस माइनस टू का स्क्वायर माइनस माइनस वन प्लस टू, करो माइनस वन, ये वन हो जाएगा माइनस टू, ये कितना हो जाएगा प्लस वन, और ये कितना हो जाएगा प्लस टू, तो माइनस वन ही कर जाएगा, ये कर जाएगा, तो आंसर आ गया जीरो आ गया। तो इससे क्या पता चला, जो हमने ट्राई मारा था वो हमारा ठीक हो गया, मीन्स हमारा ट्रायल मेथड जो हमने किया था वो इसमें फिट हो गया, तो मीन्स ये क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया। जब ये इसका फैक्टर हो गया तो इट मीन्स जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो। तो अब हमें वही करना है, क्यों कर रहे हैं हम इतना सब, हम सारा इतना सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास थ्री टर्म्स आ जाए, जो हमने जिसमें हमने फैक्टराइजेशन सीखा था, फिर उससे फैक्टराइज करके एक फैक्टर ये हो गया हमारा, और बाकी वाले फैक्टर हमें उससे मिल जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें फैक्टर मिल गया तो हम इस वाले को इससे डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे करते हैं हम, जो है अगर हम रिमाइंडर थ्योरम करते तो हम वहीं पर डिवाइड सीख के आते, बट अब हमें इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है तो हम इस क्वेश्चन में डिवाइड को सीख लेंगे कि हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो अब हमें पता चल गया कि जो x माइनस वन है इसका फैक्टर है, हम डिवाइड करना सीखेंगे। आप खुद सोचो क्या करते थे हम डिवाइड करते समय, हमें एक नंबर दे देते थे 15 और मेरे को बोलते 3 से करो, तो ये जो 3 नंबर है वो ये वाला नंबर होता था, और ये जो पॉली नंबर होता है ये वाला नंबर होता था। कैसे करते थे, ये आता है कि इसके टेबल में ये नहीं आता, 15 आता डायरेक्ट, तो 0 बचा, माइनस किया, आंसर आ गया 5। तो ये वाला नंबर हमें फाइंड करना है यहाँ पे, क्योंकि हमें ये पता है 0 ही आएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर था, सिमिलरली ये भी इसका फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो जाएगा डिविडेंड, तो हम इसको डिवाइडर बनाएंगे, यहां से हटा के इसको यहां लिख लेते हैं। तो अब करते हैं हम सॉल्व, इसको सॉल्व करना मुश्किल लगता है काफी, बट ये इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप थोड़ा सा समझोगे। कैसे समझेंगे, देखो हमें क्या करना है, इस टर्म में चेंजेस करने हैं, तो कैसे करेंगे, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए, पहला नंबर हटाएंगे ना, जब भी तो धीरे धीरे रिड्यूस होगा, तो मैं सोच रही हूं अगर मैं x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, x क्यूब। तो हम यही करेंगे कि x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैंने इसको किया इस टर्म को तो ये पूरे से होगा, तो ये से होगा, ये इससे होगा, करो x क्या बन गया, x क्यूब, तो यहां लिखेंगे x क्यूब, फिर x को x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आएगा, तो क्या आएगा, प्लस का x स्क्वायर, ये x स्क्वायर के नीचे लिखा, ये x क्यूब के नीचे। और हमें ये तो पता है कि जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, ये माइनस बन जाएगा और ये भी माइनस बन जाएगा, ठीक है, तो ये कट गया, यहाँ आ जाएगा जीरो, छोड़ो इसको। अब ये देखो माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या करते थे, सेम टर्म नीचे उतार देते थे, तो नीचे उतार दो, माइनस एक्स प्लस टू, यही होगा, इतना समझ आ गया। उसके बाद क्या करना है, अब हमें ये वाली टर्म रिड्यूस करनी है, तो अगर मुझे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर चाहिए, इसकी इससे इस वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं, एक्स को, अगर मैं एक्स को माइनस थ्री एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, सोचो ना, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर चाहिए, एक एक्स तो है, एक एक्स चाहिए, एक माइनस थ्री कर दूं तो क्या आएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो चलो कर दो, फिर सोचना क्या है, माइनस थ्री एक्स कर दो इसको। अब ये यहां लिखा तो मीन ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले इससे करो, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा, माइनस थ्री एक्स, माइनस थ्री एक्स हो गया।
अब कर दो इसको सॉल्व। अब यहाँ पे प्लस माइनस की साइन है तो ये प्लस में बदल जाएंगे, ये माइनस करना है, ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, टू एक्स बन जाएगा ये, देखो ना माइनस का एक्स प्लस का थ्री एक्स, तो थ्री एक्स में से वन एक्स किया तो टू एक्स और पॉजिटिव का साइन, और ये नीचे उतर जाएगा एज इट इज। हो गया इतना कंप्लीट। अब टू एक्स चाहिए, बिल्कुल सिंपल हो गया, एक्स से टू को मल्टीप्लाई कर दो, तो कर दो प्लस टू, टू एक्स या टू, टू वन या टू, तो किया टू एक्स प्लस टू, क्या किया टू एक्स या टू, टू वन या टू, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो, साइन चेंज हो गए, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, बच गया जीरो, यही आना था हमें, पता था आंसर, फिर भी हमने इतनी मेहनत की, तो ये मिल गया रिमाइंडर, हमने इसको इसे डिवाइड करना भी सीख लिया। अब जो है मेन क्या था, ये हमें ये मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये तो खुश हो जाओ, अब हमें क्या मिल गया, हमें यही टर्म चाहिए थी, तीन टर्म वाला पॉलिनोमियल। अब इसको हम फैक्टराइज करके इसके क्या निकाल लेंगे, फैक्टर, तो करो फटाफट से, हमें पता ही था इन दोनों को क्या करेंगे टू एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों के क्या करें टू इंटू थ्री को, टू इंटू वन को करेंगे तो थ्री आएगा, थ्री कर लो थ्री एक्स स्क्वायर, ये सेम लिख देते थे, तो माइनस का चाहिए तो हम लिख लेंगे माइनस एक्स माइनस टू एक्स, देखो ना टू टू जा सॉरी माइनस टू प्लस थ्री एक्स बन गई, बन गया ना, करो इसमें से कॉमन लो, एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस वन, इसमें से माइनस टू कॉमन लिया तो एक्स माइनस वन बच गया, तो एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन, ये क्या मिल गया इसके फैक्टर। लेकिन हमने क्या किया था, ये तो इतनी बड़ी टर्म थी, ये तो सिर्फ इस वाले के फैक्टर है ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो करेंगे वो पूरे वाले के फैक्टर कैसे निकाल पाएंगे, तो अब हमें पूरे वाले के फैक्टर लिखने हैं। तो हमने क्या किया था, डिवाइड जब हमने किया था तो हमारे पास जब हम डिवाइड करते थे यहाँ पे हमने क्या किया था 15 आया था जीरो, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली टर्म आती है, तो ये क्या था हमारा, ये हमने था एक्स प्लस वन एक फैक्टर था, और एक फैक्टर क्या था ये जो आया था ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये आया, ये हमने किया अभी डिवाइड करके, तो अब क्या किया हमने इसके भी फैक्टर निकाल लिए, तो इसके फैक्टर क्या है एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन, तो यहां से हमें मिल गए कि ये जो तीनों है यहाँ पर ये जो तीनों है वो इसके फैक्टर है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा सॉल्व, हमें फैक्टर निकालने थे हमने फैक्टर निकाल लिए, बस थोड़ी सी मेहनत हमें डिवाइड की ज्यादा करनी पड़ी। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो ही गया होगा, तो अब बाकी जो क्वेश्चन है सेम है, उसमें भी आपको क्या करना है फैक्टराइज करना है, तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ पार्ट, ये फर्स्ट ही पार्ट था, ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, और अब आप इसके सेकेंड थर्ड और फोर्थ पार्ट खुद से ट्राई करेंगे, डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, लेकिन उससे पहले हम कुछ आइडेंटिटीज सीख लेते हैं, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमारी कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज होंगी, तो जो हमारे स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उसमें ये चार आइडेंटिटीज यूज हो रही है, टोटल आपकी एट है, जो एट है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम सिर्फ सेवन आइडेंटिटीज की बात करेंगे, तो अभी हम फोर डिस्कस करें, ये हमारी फोर आइडेंटिटीज है, ये आपने शायद नाइन्थ में पढ़ी, जैसे हमारी होती थी ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वही है पर एक्स वाई की टर्म में है, तो देख लो यहाँ पे हमारी पहली आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, सेकेंड है हमारी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, फिर है हमारा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एंड फोर्थ है हमारी x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ओके, तो ये हमने इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, और लास्ट में आएगा एक, तो ये हमारी चार आइडेंटिटीज है, इसी से जो है हम अपने एक्सरसाइज के पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन है वो क्या बोल रहा है कि हमें आइडेंटिटी यूज करके इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, तो आप इसको पहले देखो ये किस आइडेंटिटी, जो हमने फोर आइडेंटिटीज पढ़ी है आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, तो ये फोर आइडेंटिटीज इसमें से किससे मैच हो रही है, तो कुछ ये इस तरह से दिख रही होगी एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी, ऐसी है ना, तो हम इसमें यही आइडेंटिटी लिखेंगे और इसी का आंसर लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो हमारा एक्स प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही थी हमारी आइडेंटिटी,
तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे कि x किसके बराबर है, x के, a किसके बराबर है 4k और b किसके बराबर है 10k। तो इसी आइडेंटिटी में हम वो वैल्यू पुट करते चले जाएंगे क्योंकि ये इसकी जैसे दिख रही है, तो इसका आंसर इस तरह से कुछ आएगा। तो x स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी क्या है 4 प्लस 10 इंटू एक्स, एक्स कितना है x, प्लस ए इंटू बी मीन्स 4 इंटू 10। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 40, तो ये आ गया हमारा आंसर। इस तरह से हमें सॉल्व करना था, तो ये मिल गया हमें इसका आंसर। बाकी जो इसके है हमारे टोटल क्वेश्चन 5 पार्ट है, तो मैं एक लास्ट पार्ट और करा देती हूँ, बाकी पार्ट आप खुद से ट्राई करना। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी ए प्लस बी मीन्स एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और इसका आंसर क्या होता था, हम उल्टा भी यूज हो जाते हैं कभी कभार, हमें ऐसे रखा गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये ऐसे भी हो जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो इसमें सबसे पहले फाइंड करेंगे एक्स कितना है 3 और वाई कितना है 2x, तो हम 2x का यूज कर लिया। तो अब जहां जहां ये था ये पुट करेंगे आंसर में, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में 3 का स्क्वायर, y में माइनस 2, अच्छा 3 का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 9 माइनस 2 टू जा 4x स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9, किसी भी वे में लिखेंगे ना, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो आंसर हमें किसे यूज करने थे, आइडेंटिटीज से, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, कहता है कि हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है प्रोडक्ट को बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए हुए, मींस ये हमें क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि हमें सॉल्व करना है लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, जो हम मल्टीप्लाई करते थे आइडेंटिटी यूज कर लेनी है। तो अब इसको पहले देखो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, क्या हम इसको लिख सकते हैं, यस। तो अब ये देखो कौन सी वाली लग रही है यहाँ पे आइडेंटिटी, x प्लस a x प्लस b, वही आइडेंटिटी लगाई, फिर उसका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी किया। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू है, मीन x की वैल्यू क्या आएगी 100, a की 3 और b की 7, तो वही पुट करो 100 का स्क्वायर प्लस ए की कितनी है, ए है हमारा 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस ए बी कितना है, ए हमारा था 3 इंटू 7, यही होगा। सॉल्व करेंगे 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000 प्लस 10 इंटू 100 और ये हो जाएगा प्लस 21, करो सॉल्व 10,000 प्लस 1000 प्लस 21, इनको एड ऑन कर लो 1 1, इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0 2 1, क्या आएगा हमारा 11,021। तो ये हो गया हमारा आंसर, बिना मल्टीप्लाई किए आइडेंटिटी को डायरेक्ट यूज करके हमने क्या किया आंसर निकाल लिया। और जो इसके सेकंड थर्ड पार्ट है वो भी इसी तरह होंगे, मैं आपको आइडेंटिटी बता देती हूँ आप सॉल्व कर लेना क्या होगा। यहाँ पे देखो आप इसको यूं सोचोगे कि ऐसे कर लेते 90 प्लस 5 90 प्लस 6, बट क्या होगा इसमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक, मतलब कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी बन जाएगी, तो यहाँ तो 100 था इजी हो गया, तो हम यहाँ पे ये ना करके हम ये भी तो कर सकते हैं, देखो 100 माइनस 5 100 माइनस 4, ठीक लग रहा है ये। तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, आप सोचेंगे कि एक्स माइनस वाई और एक्स सॉरी एक्स माइनस ए और एक्स प्लस माइनस बी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो हम इसमें ये भी तो कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है 100 प्लस माइनस 5, जो ये हमारा ए होगा वो माइनस 5 ले लेंगे और बी होगा वो माइनस 4 ले लेंगे, और ये वाली आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व कर लेंगे, तो ये वाली आइडेंटिटी हम इसमें लगा लेंगे। नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं सेकंड, इस वाले में कैसे करेंगे, देखो 100 प्लस 4 और ये इसमें लिख सकते हैं 100 माइनस 4 हो सकता है, तो मींस यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी, एक्स प्लस ए सॉरी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वही लगाएंगे मीन्स 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो मैंने कर ही दिया, तो आप इसको नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फैक्टराइज करना है, अब आप सोचोगे फटाफट फैक्टराइज कर देते हैं, नहीं इसमें फैक्टराइज तो करना है लेकिन आइडेंटिटी को यूज करते हुए, तो अब हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। पहले इसको थोड़ा देखो किस तरह से दिख रहा है, ये मतलब कुछ इस तरह नहीं दिख रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी दिख रही है यहाँ पे, तो हम इसी आइडेंटिटी को यूज
कर रही है, आप रिवर्स में भी यूज कर सकते हैं। तो ये रिवर्स साइड में दे दिया, मीन इधर वाला पार्ट उधर, तो अब हम इसका आंसर क्या निकलता था, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहीं पे हम यही सिर्फ यही इसका आंसर होगा। तो हम इसका पहले एक्स वाई निकाल लो। एक्स कितना दिख रहा है यहाँ पे, ये हो सकता है थ्री इंटू एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो थ्री एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया, वाई तो वाई है ही, तो वाई इक्वल टू वाई। तो पुट कर दो यहीं पे, एक्स की जगह थ्री एक्स, वाई की जगह वाई का होल स्क्वायर। बस सिंपल, इतना इजी था ये क्वेश्चन। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप, दो है तो ये यू भी लिख सकते हो। ये दोनों क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। बाकी पार्ट भी ऐसे ही करने हैं, बाकी पार्ट में आपको दे रखा है तो आप उसमें आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करोगे, थोड़ी आइडेंटिटीज को रिवाइज करते रहना, देखते रहना बार बार, तो उनकी प्रैक्टिस करना, तो उससे क्या होगा आपको आइडेंटिटी तुरंत देखते ही पता चल जाएगी। तो सेकंड और थर्ड पार्ट में आप देखोगे और आइडेंटिटी अपनी लगा के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैं थर्ड पार्ट की आइडेंटिटी आपको और बता देती हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, ये अपॉन की फॉर्म में है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 10 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर। क्या बन गई आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स हो गया एक्स और वाई हो गया वाई अपॉन 10। सीधा क्या बनती थी, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, बिल्कुल सिंपल। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो बाकी पार्ट आप, एक ही पार्ट बच गया है, वो आप खुद से सॉल्व कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम एक और आइडेंटिटी जान लेते थे, क्योंकि पहले हमारे जो तीन क्वेश्चन थे वो चार आइडेंटिटी पे बेस्ड थे। अब हमारी आइडेंटिटी फिफ्थ है, क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। तो इसी आइडेंटिटी से होगा हमारा क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फाइव। तो पहले क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। इन्होंने बोला है हमें इनको सॉल्व करना है, इनको एक्सटेंड करना है यूजिंग द प्रॉपर आइडेंटिटी, जो भी हमारी आइडेंटिटी है। तो देखो, एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड का होल स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। ये देखो आपको दिख रही है, यही फॉर्म है। यहीं से आपको क्या पता चल गई, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो आपको जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप उस आइडेंटिटी को यहाँ मेंशन जरूर करेंगे, उससे आपको हेल्प होगी, आपको मार्क्स भी मिलेंगे और प्लस आपको आइडेंटिटी रिवाइज भी रहेगी। तो अब आप इसको ये आइडेंटिटी यही लिख लेंगे, उसके बाद क्या आंसर आएगा ये वाला। तो पहले सबसे पहले एक्स वाई जेड निकाल लो इसमें। एक्स क्या होगा, यही लिख लेते, एक्स होगा एक्स के बराबर, वाई होगा टू वाई के बराबर और जेड होगा फोर जेड के। जो जो वैल्यू है वही पुट करते जाएंगे आंसर में सीधा। एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह टू वाई का स्क्वायर प्लस जेड की जगह फोर जेड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फोर एक्स वाई, एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह टू वाई। क्यों रख रही हुई है, क्योंकि ये इसकी इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू है। फिर करेंगे आगे टू वाई जेड, टू वाई मतलब टू वाई प्लस जेड की मतलब फोर जेड। फिर प्लस करेंगे क्या आएगा लास्ट, जेड एक्स, टू जेड मतलब फोर जेड प्लस एक्स, ठीक है। सॉल्व कर लो, अब इसको पूरा एक्सपेंड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद करो टू टू जा फोर एक्स वाई प्लस फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन वाई जेड प्लस फोर टू जा एट जेड एक्स। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट पार्ट। बाकी पार्ट में भी सेम आइडेंटिटी लगानी है आपको, पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेनी है, उसके बाद ये आइडेंटिटी में पुट कर देनी है और आसानी से आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये छह के छह पार्ट आप खुद से ट्राई करके देख लेना। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में भी वही है, फैक्टराइज। तो अब क्या होगा, हमें ये वाला पार्ट गिवन होगा और ये वाला पार्ट निकालना होगा, मीन्स ये वाला पार्ट निकालना होगा। तो वही हम उस आइडेंटिटी को रिवर्स करके निकाल लेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अब हम इसमें देखो, ये हमें ये वाली फॉर्म दे रखी है इधर वाली, और ये वाली आएगी आंसर, मीन्स क्या होगा, ये आइडेंटिटी लिखोगे तो ये वाला आंसर होगा। तो सिंपल एक्स वाई जेड, एक्स और एक्स वाई जेड, जैसे वो पता चलेगा तो आइडेंटिटी में हम उसकी वैल्यू एक्स की भी पुट करेंगे, वाई की पुट करेंगे और जेड की पुट करेंगे और होल का स्क्वायर लगा देंगे। तो चलो पुट करके देख लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता था, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का आया होगा, तो मीन्स टू एक्स का स्क्वायर हो सकता है ये, यस ये उसी का स्क्वायर है, तो टू एक्स हो गया एक्स की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मीन किसकी दिख रही है, थ्री वाई का, थ्री वाई का हो जाएगा तो थ्री वाई आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ये 16 किसका है, फोर का, तो फोर जेड, फोर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की, सिंपल, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड। तो क्या लिखेंगे, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको आइडेंटिटी रिवाइज रखनी है और आपको क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट है, उसमें भी आप एक्स वाई जेड
पता कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हम दो और आइडेंटिटी सीखेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था कि हम 7 आइडेंटिटी सीखने वाले हैं, 5 हम पढ़ चुके हैं, अब दो और आइडेंटिटी है, फिर टोटल हमारी 7 हो जाएगी। और जो आपकी बुक में 8 है वो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब देखो ये आइडेंटिटी क्या कहती है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, इसको इससे करेंगे तो 3x² y प्लस 3xy² तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये होगा आइडेंटिटी 6 और आइडेंटिटी 7 भी सेम ही है, बस माइनस का फर्क है यहाँ पे। तो माइनस में क्या हो जाएगा, ये सेम रहेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो उसको करेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अब इसको माइनस करेंगे। चुप मत हुआ कर, आवाज चले बहुत ही रहेगा, काटेगा नहीं। तो इसमें कैसे करेंगे, इसका आंसर आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखे तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3x² y और माइनस इंटू माइनस प्लस 3xy². ये ध्यान रखो इसमें दोनों प्लस है, इसमें ये वाला माइनस है लेकिन ये वाला प्लस है और ये बाकी माइनस है। तो ये हमारी दो आइडेंटिटी है जो हमारे बाकी आगे के क्वेश्चंस में काम आएंगी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है 2x + 1। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें जो है क्यूब्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में डालना है, एक्सपेंड करना है, आइडेंटिटी लगाएंगे। देखो अभी हमने पढ़ी थी कौन सी आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, यही दिख रहा है ना, एक्स प्लस वाई का होल इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, मीन्स पहले पता कर लेंगे x जो होगा 2x के बराबर है और y जो है 1 के बराबर है। तो यही इसी में पुट करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, क्या आएगा, x की जगह 2x का क्यूब प्लस y की जगह 1 का क्यूब प्लस 3x 2x इंटू 1 और इंटू 3x प्लस वाई। x कितना है 2x प्लस 1, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू एक्स का क्यूब मतलब 8x का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 × 2 = 6x इंटू 2x + 1, ये ब्रैकेट में था, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, क्यूब प्लस 1 प्लस 6 × 2 = 12x² प्लस 6x, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे, इसको फॉर्म में लगा देंगे जो हमारा डिसेंडिंग फॉर्म में हम लगाते थे, 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1, ये हो गई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। सिमिलरली इसके बाकी पार्ट से हमारे हमारे टोटल इसमें 4 पार्ट है। तो इस सेकंड पार्ट में देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, इसी की माइनस वाली जो अभी हमने सीखी थी, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो उसका क्या था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy² ये आइडेंटिटी लग गई। यहाँ पे एक्स आपको पता चल गया 2a, वाई पता चल गया 3b। अच्छा आप यहाँ पे माइनस 3b क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने आइडेंटिटी ही माइनस वाली लगा दी। आप यहाँ पे प्लस की आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो इफ अगर आप इसको पूरा ले लो, यहाँ पे प्लस लगा के ही माइनस ले लो, बट हम ये वाले यूज करेंगे, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्स मिल गया वाई मिल गया, इसमें पुट करेंगे आपका आंसर, आपकी ये जो फॉर्म है एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाएगी। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि हमको आइडेंटिटी यूज करके इसका आंसर निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें यूज कर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 - 3 जो हमने एक पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, जब उसमें हमें x प्लस वाई की होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगानी थी, पर यहाँ पे अब कौन सी, x माइनस वाई की होल क्यूब, तो x माइनस वाई होल क्यूब की प्रॉपर्टी यहाँ लग जाएगी, ठीक है। तो करेंगे सॉल्व, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy² सिमिलरली यहाँ पे पता चल गया x 100 के बराबर है और y 1 के बराबर। पुट करेंगे x की जगह x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 × x² × y 1 प्लस 3 × x y² तो करो सॉल्व, x का क्यूब 100 का क्यूब कितना होगा, 10 लाख, 6 0 आ जाएगी, 3 बढ़ जाएगी, माइनस 1 माइनस 100 ये हो जाएगा 3 × 1000 स्क्वायर ही निकल गया, उसके बाद प्लस 300। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये हो गया 10 लाख, ये इसको माइनस कर लेते पहले, 6 - 1 - 30,000 + 300।
बाकी हम इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, हम इसको इसमें ये प्लस वाली प्लस कर लेंगे, माइनस वाली माइनस, तो क्या आ जाएगी 10 0 0 3 0 0 0, ठीक है, इसमें से माइनस कर लिया हमने 3 0 0 0 1, तो कर लो इसमें से, ये हमने ज्यादा लिख दिया शायद, ये ठीक है हमारा, ठीक है ठीक है, इसमें से एक जीरो कम होगी, ठीक है ठीक है, इसको इसमें से माइनस कर लेंगे 3 0 0 0 1 को, तो 10 में से 1 गया हमारा 1 आएगा, 0 में से 0, 3 0 7, यहाँ बचा 9, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमने जब इसको सॉल्व किया आइडेंटिटी यूज करके, और यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मेंशन जरूर करनी है, तो इसी तरह से क्वेश्चन सेकंड पार्ट भी आप कर लेंगे। अब यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, 100 + 2 का होल क्यूब, कौन सी लग जाएगी, x प्लस वाई का होल क्यूब, x पता है 100, y पता चल गया 2, सेम वैल्यू पुट करेंगे हमारे आंसर आ जाएंगे। इसी में थर्ड पार्ट है, उसमें भी आप ऐसे करेंगे, लेकिन उसमें आपको 998 गिवन है, जो हमारा थर्ड पार्ट है वहां पे हमें 998 गिवन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1000 - 2, तो वही बात बन गई, और हम इसको सॉल्व, ये वाली आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, इसमें हमें बोला है वही फैक्टराइज करना है, हमें इसमें आइडेंटिटी यूज करनी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, क्यूब वाली दिख रही है, मींस कौन सी है, देखो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x2y प्लस 3y2 सॉरी xy2 इज इक्वल टू x प्लस y का होल क्यूब, यदि तुम इसका आंसर इस फॉर्म में आएगा, तो सबसे पहले क्या निकालना है, x y, हमें दोनों चीज मिल गई तो हमारा आंसर बिल्कुल इजी। तो देखो x क्यूब, ये x क्यूब के बराबर मींस 2a का क्यूब क्या होगा, 8a क्यूब के बराबर, तो हमें मिल गया x 2a, y देखो y में क्या है, b क्यूब, तो सिंपल b जो होगा वही होगा b, आंसर क्या हो जाएगा 2a प्लस b का होल क्यूब। सिर्फ हमें इस इन क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें x और y आइडेंटिफाई कर लेना है, जैसे वो मिलेंगे हम पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर 8 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का, बाकी पार्ट भी वही है, आपको आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी लगेगी, उसके बाद आप उसमें एक्स वाई निकाल लेंगे और फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है वेरीफाई, अभी तक हमें आइडेंटिटी लगानी थी, आंसर निकालने थे, अब हमें वेरीफाई करना है कि इसका आंसर ये है, मींस ये इसके बराबर है, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी से ये सिमिलर लग रहा है, एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो ये हमारी कौन सी है, हमें पता है, वी नो दैट, कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, यहाँ लग रही है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy x + 1, हम इसको इस तरह भी लिख सकते थे और एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते थे, इतना समझ आया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म चाहिए इस साइड पे, तो हम इसको इधर ही रखते हैं, बाकी टर्म्स को इधर ले आते हैं, फिर उल्टा सीधा लिख देंगे ताकि क्वेश्चन मुश्किल ना हो, तो हम इसको यही छोड़ेंगे, ये वाली टर्म इधर आएगी क्योंकि अलग साइड पे है, बाकी साइड एक साइड पे है, तो इसको इधर ले आओ, यहाँ क्या बनेगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस है यहाँ लगे माइनस माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही होगा और ये यहीं पे रह जाएगी, ये हो गया क्वेश्चन यहाँ तक। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, हमें ये राइट, ये हमें कौन सी साइड पे चाहिए थी, लेफ्ट साइड, तो हम इसको लेफ्ट पे रख लेंगे, इसको राइट पे एज इट इज लिख लेंगे, ये इधर रखो या इधर रखो एक ही बात होगी, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए वेरीफाई करना। अभी हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने क्या किया है, ये वाली साइड इधर कर दी, ये वाली इधर, तो मींस ये हमारे पास आया, ये किया था हमने, सबसे पहले हमें इसने यहाँ पे ले आए थे माइनस, तो ये वही हो गया। अब क्या करेंगे, हमें ये वाली प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है, तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, इन दोनों में इधर देखो, ये वाली एक टर्म है, ये वाली एक टर्म है, माइनस से डिवाइड, तो इसमें एक्स प्लस वाई और इसमें एक्स प्लस वाई कॉमन लग रहा है, तो इसको बाहर निकाल लो, एक्स प्लस वाई बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ये बचेगा अंदर, माइनस बचेगा 3xy, ठीक है, इतना ही बचेगा ना, इसका ही यहाँ कॉमन आ गया, इसका ही कॉमन। अब इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई को यहाँ कॉमन छोड़ देते बाहर, अब इसको देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी, यहाँ शो कर देना कि आइडेंटिटी फर्स्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ पे उसका आंसर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हमने ओपन करके लिख दी, एक्सपेंड कर दिया, अब ये लिख देंगे माइनस 3xy, इसको सॉल्व करो,
ये तो सेम रहेगा x प्लस वाई और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस एक्स वाई दिख रहा है ना, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई। तो अब देखो ये और ये मीन्स यहाँ पे हो गया हमारा हैंड प्रूफ, ये दोनों सेम हो गए। अब आप बोलोगे मैम ये या ये, तो ये देखो माइनस एक्स वाई है, ये बीच में था तो आगे पीछे होने से उसका कोई ज्यादा खास फर्क नहीं, आप इसको यहाँ लिख दो। तो ये सेम हो गया, ये दोनों हमने हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया इस आइडेंटिटी से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड में भी आपको एक क्वेश्चन दिया उसको आप वेरीफाई करना है, तो आप सेम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये आइडेंटिटी लगाएंगे और वो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है फैक्टराइज करना है, तो आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो कुछ इस तरह से है, 27y का क्यूब प्लस 125z का क्यूब। तो अब ये भी सिमिलरली इस क्वेश्चन की तरह है, तो इसमें जो ये वाला आंसर आया था उसी में हमें वैल्यू पुट करनी है। मीन्स आप इसी को इस फॉर्म में ले आओगे पहले, मीन्स इस फॉर्म में ले आए ये आप दिखाओगे वाला स्टेप भी, फिर उसके बाद ये फॉर्म आएगी, इस फॉर्म में आपको इसका पुट करना है। अब इसको पहले नॉर्मल इस फॉर्म में ले आओ एक्स वाली में, तो ये आ जाएगा 3y का क्यूब प्लस ये आ जाएगा 5z का क्यूब। तो ये मिल गया क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन ये वाला इस ये वाला बना, देखो इधर ये वाली आइडेंटिटी बनी और ये हमने पहले प्रूव कर दी, लेकिन पेपर में ही प्रूव करा हुआ। अभी तो आप लिख दोगे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में की थी, लेकिन जब आप पेपर में आए तो आप ये भी सॉल्व करके दिखाओगे कि ये ऐसे इधर के बराबर आया, तो हम इसमें ये पुट कर रहे हैं और फिर ये पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 जो है वो आइडेंटिटी 8 से रिलेटेड है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम उन क्वेश्चन को अभी स्किप कर देंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हमें ना गिवन गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन, हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, मीन्स उनकी एक्सप्रेशन बतानी है, मीन्स उनके टर्म्स निकाल के देने हैं और हमें उनका एरिया गिवन है। अब एरिया किसका गिवन होगा, रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, उससे लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो एरिया जो है वो किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हमें ये लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, एरिया मिला हुआ है। तो जब एरिया मिला है तो हम इसको क्या कर लेंगे, फैक्टराइज, फैक्टर करते हैं। तो जैसे ही दो फैक्टर आएंगे, एक लेंथ हो जाएगी, एक हमारी ब्रेथ हो जाएगी। तो चलो इसको फैक्टराइज करते हैं, सेम ही आपको आता है, फटाफट से फैक्टराइज कर लेंगे। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, 25 × 12 क्या आएगा हमारा, 300। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, आपका आंसर आएगा 300। तो यहाँ पे लिखा हमने 300 x a² अब a टर्म है ये भूलना मत, जो a है अब इसको इसके फैक्टर करेंगे, अब इसके फैक्टर डायरेक्ट नहीं होंगे, तो हम इसको क्या कर लेंगे, फैक्टर टेबल बना लेंगे। 2 से होता है ये 150 पे, फिर ये 2 से दोबारा किया तो 75, 3 से ये 3 से कर लेते हैं, 3 से किया तो ये आएगा 25, तो उसके बाद कर लेंगे ये 5 से, तो ये आएगा 5 पे, ये आएगा 5 × 1। अब देखो यहाँ पे काफी सारे आ गए, तो हमें कुछ ऐसे पेयर बनानी है जिससे कि 35 आ जाए। तो खुद देखो, अगर मैं करूँ 2 × 2 = 4, 3 = 12, तो ये 12 और 5 × 5 = 25, तो इन दोनों को अगर मैं करती हूँ तो 35 आएगा, नहीं ये तो 37 या कुछ और आएगा, कुछ और पेयर बनाते हैं। चलो एक तो ये बन गया, छोड़ दो इसको, इसको देख लो 5 × 3 = 15, 2 × 15 = 30, एक बन गया 30 और 5 × 2 = 10, 10 तो ये भी नहीं बन रहा, इससे भी नहीं आएगा 35। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और बन रहा है, एक और देखो जरा, 2 × 4, 4 × 5 = 20, एक बन गया 20 और 3 × 5 = 15, 15। तो ये वाला पेयर देखो जरा, इनको प्लस माइनस करके क्या आ रहा है, 35। तो हमने क्या बना लिया, एक और पेयर 20 × 15, और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारा, 300। तो हम ये वाला पेयर यहाँ पे सेट करेंगे, तो 25a² माइनस, अच्छा इसको बीच में बाद में करेंगे 12, अब इसको सेट कर देते हैं यहीं पे, तो क्या करेंगे 20a और ये आ जाएगा 15। अब साइन देखो, साइन ध्यान से लगाना, माइनस का है तो ये भी माइनस ले लो, ये भी माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस होके माइनस 35 करो। अब कॉमन लेते हैं हम, जैसे इसमें से 5 कॉमन लिया तो क्या बचा, 5a कॉमन लिया तो बचा 5a − 4, ठीक है, इसमें से भी कर लेंगे −5 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर −3 को ले सकते हैं, सॉरी 5 को नहीं, 3 को ले लेंगे तो बचेगा 5a + −4, इसमें से गया 3 × 4 = 15 और माइनस का कॉमन, ठीक है। अभी इन दोनों के साथ में लिख देंगे 5a − 3, 5a − 4, तो
तो ये आ गई लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, ठीक है। तो ये मिल गई हमें पॉसिबल एक्सप्रेशन, मींस हमें लेंथ भी मिल गई और ब्रेड्थ भी। सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर पार्ट टू है, उसमें भी हमें क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, फैक्टर निकालेंगे और एक लेंथ मिलेगी और एक ब्रेड्थ, ये वाली लेंथ वाली एक्सप्रेशन, ये ब्रेड्थ वाली। अब क्वेश्चन नंबर जो हमने 15 किया उसी की तरह क्वेश्चन नंबर 16 है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दी हुई है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, मीन्स इसमें हमारे कितने फैक्टर निकलेंगे, 1, 2 और 3। तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पे ये है तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, अब यहाँ पे दो ही है तो इसको फैक्टराइज कैसे करें, देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा दोनों में, मुझे दिख रहा है 3x कॉमन ले लिया, तो बच्चा कितना x माइनस 4 बन गया। तो अब देखो यहाँ पे एक तो यही बन गया, एक ये 3 बन गया और एक ये x, तो ये हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी ब्रेथ और ये हो जाएगी हमारी हाइट। तो हमें तीनों मिल गए, बिल्कुल इजी था, नॉर्मल हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे इसी का सेकेंड पार्ट और ये हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, अब हम इसमें क्या निकाले, फैक्टर लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे तो हमेशा दो ही निकलते हैं, मींस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेकिन इधर देखो सबसे पहले इस पूरी में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, 4, 4, 4, के, तो हम 4k को कॉमन ले लेंगे, हमें निकालना है l into b into h। हम क्या करेंगे, 4k को कॉमन लिया इसमें से तो क्या बचा, 3y2, इसमें से 4k को कॉमन लिया तो 2y, और इसमें से 4k को कॉमन लिया तो बचा -5, यही बचेगा हमारे पास। देखो इसमें से 4 आया तो 3, इसमें से आया तो 2, इसमें से आया तो 5, ठीक है। अब ये बच गया, अब इसको क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे जैसे हमने किया था। करो 5 × 3 = 15y², तो 15 कैसे बनेगा, 5 और 3 से बनेगा क्योंकि इन दोनों में 2 गैप आ जाएगा। तो कर लो 4k को एज इट इज बाहर रखते चलेंगे, ये एक फैक्टर बन ही गया है हमारे पास। इसको कर लो 3y², अब 5 तो -3x, 3y + 5y, क्यों, क्योंकि प्लस का 2 चाहिए, तो ये वाले फैक्टर यूज किए, -5 करो सॉल्व, 4k यहाँ पे 3y को कॉमन लिया तो बचा y-1, इसमें से 5 कॉमन लिया, प्लस का 5 कॉमन लिया तो बचा y-1। तो अब कर लो 4k, ये बचा 3y + 5 और एक बना y-1, तो ये बन गए तीन फैक्टर, मीन l b इंटू एच। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट, यहीं पर होती है हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट और हो गया हमारा पॉलिनोमियल्स का चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको सारी एक्सरसाइज समझ आई होगी और क्वेश्चन के कंसेप्ट पता चली होंगी कि हम क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं, साथ ही आपको सारी आइडेंटिटीज पता चल गई होगी और क्वेश्चन इजीली सॉल्व भी हो रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे ताकि आपको लेटेस्ट एंड न्यू वीडियोस मिलती रहे। और जो है पॉलिनोमियल का पार्ट 1 जो कि इसका इंट्रोडक्शन है, वो भी नीचे लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिए, वो क्लास 9th एज वेल एज 10th दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको जरूर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।